अब मैं प्लम्बर भी बन गया, प्लम्बर भी बन गया, मोटर चालू हो गया, हाथ में लग गया है, ये देखिए। धन्नो धन्नो रेडी हो गई भाई। मक्के खाना है तो मेहनत करना पड़ेगा ना मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ आए, पहला दिन है, घर में बहुत ज़्यादा गंदगी थी तो वो आने के बाद पूरी साफ़ सफाई हुई, और पूरी साफ़ सफाई होने के बाद में जब हम लोग मोटर चालू करने गए पानी के, जो पानी की टंकी के लिए, तो भाई सब चल रहा ही नहीं था, मोटर बंद। तो वैसे ही करके हम लोग ने साफ़ सफाई तो कर लिया, क्योंकि हैंडपम्प है हमारे पास, उससे हम लोग ने पानी निकाल के साफ़ सफाई कर लिया है, और लोगों से पूछ के आया, जो मोटर बनाते हैं ना, मशीन का काम करते हैं, उनसे पूछ के आया, तो उन्होंने उन लोगों ने थोड़ा सा टिप दिया है कि ऐसा ऐसा कुछ करना तो मोटर चालू हो जाएगा। तो चलिए पहले मोटर देखते हैं कि मोटर का क्या हाल है। फ्रेंड्स, हमारा मोटर है वो ख़राब हो चुका है, तो देखता हूँ मैं उसको रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। यानी मुझे लोगों ने आइडिया दिया कि ऐसा ऐसा करना कि ये है ना, ये ऊपर का रिंग है, इसको वो खोलना और उसके ऊपर से एक फ़ैन होगा, फ़ैन, वो फ़ैन को ऐसा मूवमेंट देना, ऐसा घुमाना ज़ोर ज़ोर से, तो अगर वो जाम हुआ रहेगा तो फ़ैन खुल जाएगा और फिर मोटर चालू हो जाएगा। तो आप लोग को दिखाता हूँ मैं, बन जाएगा तो समझो मैं कारीगर बन गया एक अपने घर के लिए, और नहीं बना तो फिर किसी को बुलाना पड़ेगा। अब देखते हैं चालू करके। फ्रेंड्स, ये मोटर मेरा चालू हो गया, और जो लोगों ने मेरे को दिमाग दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम किए थे यार, अल्लाह उनका भला करे। अब मैं प्लम्बर भी बन गया, मोटर चालू हो गया, हाथ में लग गया है, ये देखिए, ये देखिए, बहुत बहुत दर्द कर रहा है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं इसको यार, जो खोलने वाला रहता ना, उससे मेरा हाथ दब गया पूरा, हाँ वो पकड़ से, या नॉस प्लेयर जो भी बोलते हैं आप, तो ये इससे उसके अंदर मेरा पूरा हाथ दब गया, और अचानक से पूरा जोर से दब गया, देख सकते पूरा ब्लैक हो गया है, और इतने देर में हालत ख़राब हो गई। और देखिए पानी भी है, बारिश भी आ गई है, ये देखो बड़ी बड़ी बूंदें, और बारिश भी आ गई है, और मेरा काम भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और अब मैं साफ़ सफाई अब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, अब फिर आपको बाद में मिलता हूँ, बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं फ्रेंड्स, मैंने मोटर बना लिया, मेरा टंकी में पानी भी चढ़ने लगा, अब ये बाइक है, बाइक की हालत बहुत गंदी है भाई, पूरा कचरा है, अब इसकी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, और फिर इसको चालू करके देखना पड़ेगा चालू होता है कि नहीं। पेट्रोल तो होगा, क्योंकि मैं पेट्रोल डलवा के गया था, बट ठंडी पड़ गई होगी काफ़ी दिनों से, 2-2.5 महीने से बंद है ना, तो अब इसको चालू करते हैं। चलिए, बाइक साफ तो कर दिया कपड़े से, बट स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि बहुत ठंडी हो गई है, बट इसको एक बार स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट होता ही कि नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने डाला चाबी, एक मिशन ऑन हो गया, अब इसके ऊपर हम बैठ जाएंगे और बैठ के इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चौक दे देंगे, फ्रेंड्स इसकी बैटरी एकदम खत्म हो चुकी है, तो पॉसिबल नहीं कि अब चालू होगा, क्योंकि बैटरी एकदम डेड हो गई है, सो गई है, तो इसको हम करते हैं कोई ट्रिक लगाते हैं, किक से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, किक मारना मुझे जमता नहीं है। बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है यार।
थक गया और बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, कुछ और उपाय लगाना पड़ेगा। यहाँ अंधेरा है, घर के अंदर एक्चुअली लाइट का भी मसला है और बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो कुछ और उपाय लगाऊंगा। एक बार बाहर लेके आता हूँ फिर स्टार्ट करके देखता हूँ। चलिए एकदम ठंडा। फ्रेंड्स तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का भी मैं राउंड मार के आया हूँ, तब जाके ये गर्म हुआ है। इसको इतनी गर्मी चाहिए यार, 2 से 2.5 किलोमीटर राउंड मारने के बाद में ये गाड़ी गर्म हुआ है, अब सेल्फ से स्टार्ट हो जा रहा है। धन्नो धन्नो रेडी हो गई भाई, धन्नो चालू। बहुत भगाना पड़ा, तकरीबन 2.5 किलोमीटर एकदम स्पीड में भगाते हुए गया, स्पीड में आया तब जाके इंजन गर्म हुआ इसका। अब थोड़ी इसकी लाली पाउडर करेंगे, उसके बाद में इसको लेके निकलेंगे सफ़र पे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा दिन है आज गांव में, और रात को मैं एक वीडियो था जो ताज होटल और हैंगिंग गार्डन और गेटवे की तरफ का, वो वीडियो बहुत लंबा यार, 40-45 मिनट का वीडियो, रात को एडिट करते करते 10 बजे से लेके 3 बजे तक मैं एडिट ही कर रहा था। फिर उसके बाद डाउनलोडिंग में छोड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 बजे तक डाउनलोड हो गया, मतलब अपलोड हो गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और उसके लिए मैं सोया हूँ तकरीबन 6 बजे के बाद, तो लेट सोया लेट तो उठा लेट, और घर वाले जो हैं वो सबके सब उठ गए हैं जल्दी, और बाहर जो हमारी ज़मीन है वहाँ पे काम कर रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये हमारे घर के पीछे की ज़मीन है, यहाँ पे देख सकते हो सब साफ सफाई कर रहे हैं। अब मैं लेट हो गया हूँ तो अब मुझे भी ज्वाइन करना है इन लोगों को। एक तरफ साफ सफाई चल रहा है और ये दूसरी तरफ है जो कि एकदम साफ कर चुके हैं ये लोग। मैं इतना लेट हो गया हूँ यार, तो अब मुझे भी ज्वाइन करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा। कैसे हम लोग गांव में काम करते हैं भाई, 11 बजे सोके उठे के बाद में थोड़ा काम करो, नहीं तो बहुत सुनने मिलेगा, इतना सुनने मिलेगा ये पूछो मत। मक्के खाना है तो मेहनत करना पड़ेगा ना मेरी जान। भाई अभी ना जोतने वाला आएगा तो ये साफ सफाई इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि ये घास है, एक बार हल चल गई ना तो सारा घास है इसके अंदर दब जाएगा, तो इसके पहले हम लोग पूरा निकाल के फेंक दे रहे हैं जिससे घास अंदर दबे नहीं, हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने पड़े नहीं। पहले बहुत टाइम की बात कर रहा हूँ ना, तकरीबन 3 महीने बाद, तो थोड़ा तकलीफ हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं भाई अपन करेंगे। फ्रेंड्स रमज़ान के बाद में मैंने ये शुगर केन लगाया था, देख सकते हो बहुत बहुत बड़ा हो गया, मगर बीच में जो 1.5 महीना मेरा घर बंद हो गया तो इसको पानी नहीं मिल पाया, तो ये थोड़ा सा सूख गया था, कमज़ोर हो गया था, बट इसके जो सूखे हुए पत्ते हैं वो निकालने के बाद में इसके अंदर और हरियाली आ जाएगी और ये बढ़ने के लिए इसको और अच्छा हो जाएगा।
हम लोग कल आए हुए हैं घर पे बॉम्बे से, और यहाँ पे राशन वाशन कुछ नहीं है, तो हम लोग आज राशन लेने जा रहे हैं बाज़ार। आपको बाज़ार ले चलते हैं और मैं दिखाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें लेनी है, थोड़ा बहुत तो दिखाऊंगा आपको और मार्केट का एरिया दिखाऊंगा। तो अभी हमारी गाड़ी तैयार हो गई है, पेट्रोल भी हम लोग डाल के रखा है बस में, और अब चलते हैं बाज़ार। चलिए बाज़ार दिखाते हैं आपको। ये हमारा शॉप जहाँ से हम राशन लेते हैं। तो ये हमने आज ऑर्डर दे दिया राशन का, ये भाई हमारा निकाल रहा है अंदर, आपको अंदर लेके चलता हूँ उनकी दुकान पे। ये दुकान है और यहाँ से हम राशन लेंगे, उसके बाद में घर जाएंगे। जल्दी जल्दी पैक करो भाई, बहुत लेट हो चुका है, बारिश आएगी तो पूरा भीग जाएगा। 3 किलो आयना सर्फ पैकेट में, ये हमारे ये बर्तन फ्री है भाई। ये देखिए हमारा, हमारे गांव का ये मार्केट है, वेजिटेबल्स मार्केट। ये हमारा वेजिटेबल भी हो गया, कुछ वेजिटेबल्स भी लेना था वो भी हो गया मेरा, और अब घर भागते हैं क्योंकि बहुत गर्मी है, बारिश ज़रा भी नहीं है। और ये देख लीजिए हमारे गांव का ये पूरा इलाका है, छोटा शहर है ये, बाज़ार कहेंगे आप इसको, बगोदर नाम है। फ्रेंड्स ये ज़मीन हमने सुबह साफ़ किया है और ये अभी जोतने के लिए आ गया शाम में। मौसम बारिश का बन चुका है और ये हल चला रहा है, ये पहले जोतेगा, उसके बाद में फिर यहाँ पे ये वाला जोतेंगे। दोनों जगह पे मक्का लगेगा, स्वीट कॉर्न। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको ये फाइनल होने तक। ये देखो ये बंदर कैसे ऊपर चढ़ गया है, एक भी अमरूद नहीं है फिर भी ऊपर चढ़ के बैठा है। नीचे उतर जा चलो। फ्रेंड्स हम लोग ने सुबह सुबह उठ के ये पूरी सफाई की है, वो देख सकते हो जरा भी घास नहीं है, और यहाँ पे कितना खूबसूरत तरीके से चल रहा है इनका हल। यही तो है गांव का मजा। ये लड़का मजा लेते हुए, फजल मजा लेते हुए, क्या बात है। मम्मा देखो फजल भाई को, देखो फजल भाई को देखो, बैठा हुआ है, क्या बात है भाई। हमारा बचपना याद आ गया, हम लोग भी बैठते थे ऐसा, एक नंबर। यहाँ कट नीचे, यहाँ पे नीचा नीचा, ये देखिए क्या मजा आ रहा होगा यार उसको। अरे यार तुम मेरे को मार देगा, ये माटी छोड़ पड़ते थोड़े है, उधर जा, मजा आया। हाँ यहाँ है फ्रेंड्स, ये स्वीट कॉर्न है और इसको बोने की मैं कोशिश कर रहा था बट मेरे हाथ से हो रहा ही नहीं था यार। एक गिराने के जगह पे 4-5 गिर रहा था, तो वो मैंने मम्मी को दे दिया और मेरी एक सिस्टर है उनको दे दिया, फिर वो दोनों करने लगे। मैं बोला मैं ऐसे नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गिरा दे रहा था। फ्रेंड्स फार्मर का काम बहुत ही हार्ड है, बहुत ही टफ है, आसान नहीं समझे आप लोग। जो खाना फेंकते हो वो बहुत गलत करते हो, देख सकते हो आप, ये छोटी सी जगह पे हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे लोग मिल के कर रहे हैं, और आप लोग जो खाना फेंकते हो ना अपने बाज़ार से जो ख़रीद के, वो बहुत गलत करते हो फ्रेंड्स। भाई ये जानवर के स्पीड में आदमी नहीं चल सकता, देख सकते हो दो लोग हैं, मैं था, मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा गिर रहा था। अब ये इन लोगों को आइडिया है कैसे गिराने का, देखो ये मक्का, ये स्वीट कॉर्न गिर रहा है। फ्रेंड्स पूरे खेत में ना हल से पूरा खेत जोत दिए, बट जहाँ पे वो हल नहीं पहुँच पा रहा था ना, तो वहाँ मुझे फावड़े से करना पड़ा। तो यार अभी हम लोग बहुत कम करते हैं ना ये सब, फिर भी बहुत भारी पड़ता है यार, ये मैं कर तो रहा हूँ बट बहुत डिफ़िकल्ट है।
बहुत ज़्यादा, मतलब 10 बार ये फावड़ा चलाने के बाद में फिर मेरे को आराम करना पड़ता है, क्योंकि पहले कभी किया नहीं ना इस वजह से। बट फिर भी अपने घर का काम है तो यार करना ज़रूरी भी है। फ्रेंड्स शाम के 6:30-7 बज चुका है, मगरिब हो चुकी है, और अब जाके ये पूरा स्वीट कॉर्न फार्मिंग का काम ख़त्म हुआ है और हम लोग भी थक गए पूरा, बहुत हालत ख़राब हो गई आज, काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा काम किया है। तो वीडियो को एंड करता हूँ भाई, ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। बारिश भी आने वाली है, दिन भर बारिश नहीं आई, अभी हम लोग ने स्वीट कॉर्न लगाया है और बारिश आएगी। अगर रात भर बारिश नहीं आई तो उसके लिए फ़ायदा है, स्वीट कॉर्न के लिए फ़ायदा है, अगर अभी बारिश आ गई ना तो फिर तकलीफ़ हो जाएगा, उसको उगने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। देखते हैं, अब अल्लाह की मर्ज़ी है, वो कब बारिश देता है, कब सूखा छोड़ता है, सब अल्लाह के ऊपर है, उसकी मर्ज़ी है। देख सकते हो वो चमक रहा है, बिजली कड़क रही है, चमक रहा है पूरा, और बहुत ही ज़्यादा बादल वादल आ गए हैं, बारिश हो सकती है, होए तो भी अच्छा है, नहीं होए तो भी अच्छा है, अल्लाह की मर्ज़ी है। चलो अल्लाह हाफिज़।